Hey everyone, hi, how are you all? Hope you all are doing great. My name is Shilpa and welcome back to my channel. So guys, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज के वीडियो पे बहुत ही अमेजिंग सब प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करने वाली हूँ. सो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना. नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन विद द इंट्रो. जो प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है एक लिप ग्लॉस. एंड ये रिसेंट न्यू लॉन्च नहीं है बट हाँ काफ़ी टाइम पहले लॉन्च हुआ था, बट मैंने ट्राई नहीं किया था फ्रॉम दिस ब्रांड. एंड मैंने जब इसको डिस्कवर किया ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा लगा कॉन्सेप्ट. सो येस, एंड मूविंग अहेड लेट मी टेल यू, अमेजोन पे ना अभी सेल स्टार्ट हुआ है, अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिव सेल. एंड ये सेल के दौरान आप लोगों को ये सारे प्रोडक्ट जो भी मैं वीडियो पे दिखाने वाली हूँ, सारे के सारे प्रोडक्ट्स लिटरली 50 to 80% तक डिस्काउंटेड प्राइस में मिल सकता है. सो यस, आप लोग वहाँ से बाय कर सकते हो. इन सारे का परचेज लिंक ना आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कॉमेंट पर मिल जाएगा, तो आप लोग चेकआउट ज़रूर करना. एंड आप लोग को तो ऑलरेडी पता ही है अमेजोन पे 1500+ ब्रांड्स एंड बहुत सारे स्टाइल्स हैं, तो आप लोग अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो. सो जो प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है फ्रॉम प्लम गुडनेस. एंड दिस इज़ द न्यूली लॉन्च्ड, नॉट न्यूली लॉन्च्ड बट हाँ काफ़ी टाइम पहले लॉन्च हुआ था, विच इज़ द प्लम स्वर्ल, प्लम सॉफ्ट स्वर्ल लिप ग्लॉस. एंड लिप ग्लॉसेस आर अवेलेबल इन 6 डिफरेंट शेड्स एंड आई हैव विथ मी 3 शेड्स. बस ये 3 शेड्स ही अवेलेबल था बिकॉज बाकी सारे के सारे शेड्स स्टॉक आउट हो चुके थे. सो आई ओनली मैनेज टू गेट दिस 3 शेड्स. एंड लेट मी टेल यू द शेड्स आर एब्सोल्युटली स्टनिंग. ऑल द शेड विल सूट ऑल द इंडियन स्किन टोन एंड इट्स अ 3-in-1 लिप ग्लॉस है ना. बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा मुझे कॉन्सेप्ट लगा इन इंडिया. दिस इज द फर्स्ट टाइम. अभी कुछ लोग बोलेंगे कि मेकअप रिवोल्यूशन का भी है. मेकअप रिवोल्यूशन is not an Indian brand, okay? So Plum Goodness is an Indian brand and Indian brand पे this is the first time I'm seeing this type of concept and it's really cool. मतलब आप लोग देख सकते हो 3 colors का lip gloss आप लोग को एक साथ मिल रहा है. मतलब आप लोग जब lip gloss का apply करोगे ना, 3 का mixture होके एक beautiful सा unique सा color होके आएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा beautiful है. एंड यहाँ पे जो मुझे लगता है शेडिंग्स देख के सारे शेड्स ना सारे इंडियन स्किन टोन को अच्छे से सूट करने वाला है, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग. नाउ फर्स्ट लेट मी शो यू द पैकेजिंग. पैकेजिंग के ऊपर ना बस एक ऐसा एक प्लास्टिक का रैप आएगा एंड अदरवाइज यहाँ पे आप लोग देख पाओगे मतलब ऐसे ही आता है पैकेजिंग. एंड दिस लुक सो प्रीटी, लाइक देख सकते हो एक एक पे 3 कलर्स है. एंड यहाँ पे आप लोगों को नीचे की तरफ यहाँ पे आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट भी मेंशन कर मिल जाएगा. ईच ऑफ दिस हैज शेल्फ लाइफ ऑफ 2 ईयर्स. एंड उसके साथ साथ प्राइस की बात करें तो ईच ऑफ दिस रिटेल्स फॉर 525 बट आप लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा ये सेल के दौरान. क्वांटिटी की बात करें तो ईच ऑफ दिस हैज 6 ml ऑफ प्रोडक्ट. द क्वांटिटी इज एक्चुअली रियली ग्रेट. नाउ लेट मी शो यू द एप्लीकेटर. This is how it's a normal straight doe foot applicator, which but it's not the best but it's not the worst, okay? And let me show you the swatch. आप लोग देख सकते हो this is the shade. मतलब आप लोग देख सकते हो ये तीनों शेड को मिक्स होने के बाद ये शेड आ रहा है. सो या द शेड रेंज इज एक्चुअली रियली प्रिटी. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल मॉव शेड. मतलब यहाँ पे बर्गेंडी, पिंक, मॉव एंड लाइट लाइलैक शेड को मिक्स होने के बाद ये शेड आ रहा है, विच लुक सो प्रीटी. एंड मुझे लगता है सारे स्किन टोन पे बहुत अच्छा दिखेगा. अच्छा सर, रियली लाइट वेट. स्मेल की बात करें तो इट हैज़ द कैरामेल स्मेल, ओके. कैरामेल की तरह स्मेल करता है. ऑल्सो दीज आर नॉन स्टिकी. आप लोग देख सकते हो एकदम ही नॉन स्टिकी है, लाइट वेट है एंड काफ़ी अच्छा खासा कवरेज है. मतलब दीज आर एक्चुअली क्वाइट पिगमेंटेड लिप ग्लॉस, दीज आर नॉट शियर लिप ग्लॉस. तो अभी मैं आप लोगों को स्वॉचेस दिखाने वाली हूँ इन दिस आर्टिफिशियल लाइट विथ मेकअप एंड विदाउट मेकअप इन नेचुरल लाइट. ऑल्सो वाटर प्रूफ टेस्ट, ट्रांसफर प्रूफ टेस्ट एंड वायर टेस्ट भी दिखाने वाली हूँ. सो ये इस वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर देखना.
सी थ्रू पैकेजिंग, मतलब आप लोग देख सकते हो ये जो स्वर्ल है ना, मतलब थ्री कलर्स, ये इट्स अ सी थ्रू पैकेजिंग, जो कलर निकल के आएगा ये तीनों का मिक्सचर कलर होगा। मैं तो स्वॉचेस देख ही लाई, होप यू हैव गॉट द क्लियर आइडिया कि शेड्स कैसा है। अभी अगर बात करते हैं आर दिस ट्रांसफर प्रूफ, इट्स अ ग्लॉस, ऑफकोर्स इट्स नॉट ट्रांसफर प्रूफ, फिर भी आप लोगों को तसल्ली के लिए मैं दिखा देती हूँ। इतना सा ट्रांसफर हुआ है एंड मेरे लिप्स पे भी लग रहा है कि मैंने कोई टिंटेड लिप बम लगाया है। दिस इज हाउ इट लुक्स। टेस्ट की बात करें तो मैं फिर से और एक बार अप्लाई कर लेती हूँ। ग्लॉस वंस अगेन, इट टेस्ट लाइक ऑयल, इसका कोई भी टेस्ट नहीं है, ठीक है। ओके सो आर दिस वाटर प्रूफ, मुझे नहीं लगता ये वाटर प्रूफ होगा। नो दीज आर नॉट वाटर प्रूफ, थोड़ा बहुत ट्रांसफर हो रहा है। वाइट टेस्ट की बात करें तो मैंने इसको पहन के टेस्ट आउट किया है, आप लोग यहाँ पे देख पाओगे। आई हैव टेस्टेड इट आउट एंड आई वुड से मतलब ये ठीक ठाक लास्ट करता है, मतलब ये ग्लॉस है, ऑफकोर्स ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ये नॉर्मल ग्लॉस है ना। एंड मैं जब कप से चाय पी रही थी तो कप पे ट्रांसफर हो गया था डिनर करने के बाद। आप लोग मेरे लिप्स का हालत यहाँ पे देख सकते हो, लग रहा था मैंने कोई टिंटेड लिप बम लगाया है। मेरे लिप्स काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट, मॉइस्चराइज्ड एंड हाइड्रेटिंग फील हो रहा था एंड टिंट उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा था, बट हाँ I felt good. So yeah, these lip glosses are actually quite good. It's a good lip gloss, but it's not something exceptional. ओके सो अभी अगर एक एक करके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव द पैकेजिंग, मतलब इसके ऊपर एक आउटर कार्डबोर्ड पैकेजिंग होता तो ज़्यादा अच्छा होता, बट आई रियली लाइक इट हाउ प्रीटी एंड इट्स अ कॉम्पैक्ट पैकेजिंग। सारे डिटेल्स मेंशन किया हुआ है लाइक द मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, क्वांटिटी एंड एवरीथिंग विच इज ग्रेट। नेक्स्ट पॉइंट में बताऊँगी आई लव हाउ पिगमेंटेड दीज आर एक्चुअली क्वाइट पिगमेंटेड लिप ग्लॉस, एंड जिन लोगों को थोड़ा सा पिगमेंटेड लिप ग्लॉसेस पसंद है आप लोग ट्राई कर सकते हो, लाइक द लिप ग्लॉसेस आर रियली पिगमेंटेड। ऑल्सो आई लव हाउ कर्व, मतलब लुक एट द शेड्स आर रियली यूनिक एंड रियली प्रिटी, मतलब ऐसे शेड्स ना मैंने दूसरे ब्रांड पे, इंडियन ब्रांड पे नहीं देखा है। सो या द शेड्स आर रियली प्रिटी। ऑल्सो दीज आर नॉन स्टिकी लिप ग्लॉसेस एंड दीज गिव यू द हाई शाइन इफेक्ट, लाइक दीज आर सुपर शाइनी, सुपर हाइड्रेटिंग एंड आपके लिप्स को ना अच्छे से मॉइस्चराइज भी करता है, विच इज़ ग्रेट। स्पेशली आपके लिप्स अगर ड्राई एंड चैपी भी है ना, फिर भी आप लोग ट्राई कर सकते हो बिकॉज दीज आर एक्चुअली रियली ग्रेट। एंड ऑल्सो दीज आर क्वाइट लॉन्ग लास्टिंग, मतलब मैं बताऊँगी ये आराम से 5 to 6 आवर तक स्टे करता है आप लोग अगर नॉर्मल वाटर पीते हो तो, अदरवाइज आप लोग अगर हेवी फूड खाते हो तो तब तो ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। एंड दीज आर नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बट हाँ ओके ओके अच्छा खासा लिप ग्लॉस है। नेक्स्ट पॉइंट में बताऊँगी आई लव द शेड रेंज, द शेड्स आर रियली प्रिटी, दीज आर नॉन स्टिकी, सुपर हाइड्रेटिंग एंड सुपर मॉइस्चराइजिंग। ऑल्सो आई लव द स्मेल, द इट हैज़ अ वेरी माइल्ड कैरामिल स्मेल विच इज सो डिलिशियस। कौन पे मैं बताऊंगी दीज आर क्वाइट एक्सपेंसिव, मतलब इसका प्राइस अगर विद इन 200 या फिर 300 होता तो ज़्यादा अच्छा, बट हाँ अमेजोन सेल के दौरान आप लोग को डिस्काउंटेड प्राइस में मिल सकता है तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ऑल्सो ये अगर ट्रांसफर प्रूफ वाटर प्रूफ नहीं है, हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, बट हाँ मतलब क्या बताऊँ, अभी इंडिया पे भी नहीं ट्रांसफर प्रूफ वाटर प्रूफ लिप ग्लॉस लॉन्च होना चाहिए बिकॉज ऑलरेडी मैंने दो जैपनीज ब्रांड ट्राई किया है जो कि ट्रांसफर प्रूफ एंड वाटर प्रूफ लिप ग्लॉस है, तो या उसका शॉट मैं जल्दी लाने वाली हूँ। सो या अगर ये भी होता, मतलब इंडियन ब्रांड्स को भी ना अभी ट्रांसफर प्रूफ एंड वाटर प्रूफ ग्लॉसेस लॉन्च करना चाहिए जो कि अच्छा होगा। सो येस गाइज, दैट इज ऑल फॉर टूडेज वीडियो। एंड फाइनल रेटिंग की बात करें तो आई विल रेट दिस 4 out of 5 बिकॉज आई रियली लाइक देम बिकॉज द कॉन्सेप्ट इज वेरी न्यू, इट्स अ स्वर्ल लिप ग्लॉस, मुझे बहुत पसंद आया है एंड इट्स अ 3-in-1 लिप ग्लॉस, बहुत प्रीटी है। सो येस गाइज, दैट इज ऑल फॉर टूडेज वीडियो। एंड आप लोग अगर कुछ भी क्वेश्चन है, क्वारीज है रिगार्डिंग दिस लिप ग्लॉसेस, आप लोग मुझसे कॉमेंट सेशन पर पूछ सकते हो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। एंड ऑल्सो गाइज, इफ आर न्यू टू माई चैनल प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन just next to the subscribe button so that whenever I will post new video you will get notified. And also guys, don't forget to like this video, share this video, and also don't forget to comment down below your thoughts and opinions. So yes guys, that's it, I'll see you in my next video. Till then, bye bye and take care.